हेलो फ्रेंड, बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल में आप सभी फ्रेंड का स्वागत है। आज देखिए मैं क्या बनाने वाली हूँ। आज हम ये चावल का आटा है और चावल के आटा में हम मालपुआ बनाऊंगी। तो इसके लिए हमने चावल का आटा ले ली हूँ। अब इसमें एक कूटी हुई इलायची पाउडर डाल दूंगी, फिर ये चीनी डाल दूंगी और थोड़ा और चीनी डाल देंगे। अब इसमें इतना बेकिंग पाउडर डाल दूंगी और हम इसमें गरी के टुकड़े डाल दूंगी देखिए इसमें दूध डाल के मैं सारा अच्छा से एकदम फेंट ली हूँ। अब इसको हम आधा घंटा के लिए रख दूंगी, फिर उसके बाद फ्रिज के अंदर फिर इसको हम बनाएंगे। देखिए जो हमारा बेटर था ये मालपुआ का, अब ये बनाने के लिए एकदम रेडी हो गया है। अब इसको हम फटाफट बना लेते हैं। यहाँ पर तेल रखती हूँ गर्म होने के लिए। इसको खूब अच्छी तरह से फेंट देंगे। देखिए हमारा मालपुआ फूल गया है। देखिए कितना अच्छा से हमारा मालपुआ एकदम फूल जा रहा है एकदम। तो हम एक एक करके निकालेंगे सब। देखिए कितना अच्छा से हमारा मालपुआ एकदम पक जा रहा है, एकदम फूल जा रहा है। आप लोग इसी तरह से बनाइएगा चावल का मालपुआ, बहुत टेस्टी बहुत स्वादिष्ट लगता है। मैदा के भी मालपुआ बनता है और मैदा का भी बनाती हूँ, बहुत अच्छा मैदा का भी लगता है, लेकिन थोड़ा सा मैदा हार्ड होता है, इसीलिए हम मैदा का नहीं बनाए हैं इस बार, क्योंकि हमारे पास चावल का आटा था तो उसी से हम अपना मालपुआ बना रहे हैं। देखिए कितना अच्छा से पक जा रहा है। देखिए कितना अच्छा से फूल जा रहा है एकदम। और इसका बेटर जो कितना पतला घोल है, लेकिन जाते ही एकदम फूल जा रहा है और खाने में उतना ही ज़्यादा टेस्टी होगा। देखिए फ्रेंड, हमारा मालपुआ बन के तैयार हो गया है, चावल के आटा का मालपुआ। तो आप लोग भी
चावल की आटा का मालपुआ बनाइएगा। मैदा का तो मालपुआ हम लोग हमेशा बना के खाते हैं, इस बार चावल की आटा का बनाई हूँ। और देखिए कितने अच्छे से पक गया है, एकदम जालीदार एकदम पका हुआ है, दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। देखिए कितना सॉफ्ट, कितना एकदम मुलायम है, खाने में उतना ही ज़्यादा एकदम पूरा पक गया है अंदर से। देखिए कितना मुलायम है, देखिए देखिए एकदम पूरा अंदर से अभी गर्म है, देखिए कितना अंदर से पक गया है ये हमारा मालपुआ। तो आप लोग भी इसी तरह से चावल की आटा का मालपुआ बनाकर खाइए। और हमारी वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करा करें सभी फ्रेंड को। बाय बाय।